सो गाइज, आज हम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, बेस्ट कंपैरिजन अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर बोथ द कंट्रीज। एंड ऐसी वीडियोस बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होती हैं, बिकॉज हमें अपनी कंट्री के बारे में तो पता ही है, बट दूसरी कंट्री के बारे में हमें और नॉलेज मिलती है एंड कंपैरिजन पता चलता है कि कौन सी कंट्री कहाँ पे उसका स्टेटस है अभी एंड कहाँ पे है वो, किस मुकाम पे है। एंड हर एक कंट्री ऑब्वियसली एवरी सिंगल ईयर दे ग्रो, एंड हर कंट्री ग्रो करनी भी चाहिए क्योंकि उनकी आवाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ये चीज़। एंड आई विश सारी कंट्रीज अच्छे से ग्रो करें, प्यार से रहें, सुकून से रहें, वॉर जैसी सिचुएशन कभी ना आए, क्योंकि आवाम को कभी भी वॉर तो नहीं चाहिए भाई। गाइस, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक दरखास्त करना चाहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हो, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एंड हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सो चलिए गाइस, आज के वीडियो का आगाज वीडियोस के लिए। इस वीडियो से पहले आपने भारत और पाकिस्तान के कंपैरिजन के कई और वीडियो देखे होंगे, जिससे आपको भारत और पाकिस्तान से जुड़ी काफ़ी जानकारी मिली भी होगी। पर आज हम कंपेयर करेंगे भारत और पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को और देखेंगे दोनों देशों ने पार्टीशन के बाद कितनी तरक्की की है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो में दिए गए स्टैटिस्टिक्स के सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपैरिजन में सबसे पहले बात करते हैं सबसे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। रोड नेटवर्क किसी भी देश के इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर माना जाता है, और रोड नेटवर्क के मामले में पाकिस्तान में लगभग 263,775 किलोमीटर का रोड नेटवर्क है, जिसमें 39 नेशनल हाईवे हैं। और बात करें रोड नेटवर्क में, तो इंडिया रोड नेटवर्क में पाकिस्तान से काफ़ी आगे है, जहां इंडिया में 59 लाख किलोमीटर्स का टोटल रोड नेटवर्क है, जिसमें 200 नेशनल हाईवे हैं, और इंडिया वर्ल्ड में रोड नेटवर्क के मामले में दूसरे नंबर पर है। रोड नेटवर्क के बाद बात करते हैं रेल नेटवर्क की, तो पाकिस्तान में टोटल 11,881 किलोमीटर का रेल नेटवर्क है। वहीं बात करें इंडिया के टोटल रेल नेटवर्क की, तो 68,000 किलोमीटर लंबे रेल नेटवर्क के साथ भारत दुनिया में रेल नेटवर्क के मामले में चौथे नंबर पर है, जिसमें लगभग 40,000 किलोमीटर इलेक्ट्रिफाइड नेटवर्क शामिल है। अब बात करते हैं एयरपोर्ट की, तो पाकिस्तान में टोटल 139 छोटे बड़े एयरपोर्ट्स हैं, जिसमें कराची का जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पाकिस्तान का सबसे बिजी एयरपोर्ट है, जहां लगभग सालाना 50,000 फ्लाइट टेक ऑफ और लैंड करती हैं, और एयरपोर्ट के मामले में भी इंडिया पाकिस्तान से काफ़ी आगे है, जहां भारत में टोटल 464 छोटे बड़े एयरपोर्ट हैं। और दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश का सबसे बिजी एयरपोर्ट है, जहाँ सालाना 41,50,000 फ्लाइट्स टेक ऑफ और लैंड करती हैं। एयरपोर्ट के बाद बात करते हैं वर्ल्ड ट्रेड के लिए इस्तेमाल होने वाले सबसे इम्पॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो आप समझ ही गए होंगे। अब हम बात करने वाले हैं सी पोर्ट की, तो सी पोर्ट के मामले में पाकिस्तान में लगभग 9 सी पोर्ट हैं, जिसमें कराची पोर्ट पाकिस्तान का सबसे बिजी पोर्ट है, जहां सालाना लगभग 15,60,000 के करीब TEU यानी 20 फीट इक्विवेलेंट यूनिट्स कंटेनर का मूवमेंट होता है। वहीं भारत में लगभग 200 छोटे बड़े सी पोर्ट हैं, और सालाना लगभग 51,00,000 TEU यानी 20 फीट इक्विवेलेंट यूनिट कंटेनर के साथ मुंबई का जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जिसे हम JNPT भी कहते हैं, देश का सबसे बिजी पोर्ट है। अब बात करते हैं एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो सबसे पहले देखते हैं पाकिस्तान के मेट्रो रेल नेटवर्क को, जो कि पाकिस्तान में अभी तक सिर्फ 27 किलोमीटर का ही है। वहीं बात करें इंडिया में मेट्रो रेल का टोटल नेटवर्क पाकिस्तान के मेट्रो नेटवर्क से लगभग 30 गुना ज़्यादा है, जिसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। मेट्रो के बाद देखते हैं भारत और पाकिस्तान के स्काईस्क्रेपर्स का कंपैरिजन, जिसमें हम 150 मीटर या उससे ज़्यादा हाइट वाली बिल्डिंग की बात करें, तो पाकिस्तान में टोटल 5 स्काईस्क्रेपर्स हैं,
जिनकी हाइट 150 मीटर से ज़्यादा है, वहीं भारत में 55 स्काईस्क्रेपर्स हैं और काफ़ी बिल्डिंग्स अंडर कंस्ट्रक्शन भी हैं। अब ज़मीन से चलते हैं स्पेस की ओर और देखते हैं पाकिस्तान ने स्पेस में अभी तक कितनी सैटेलाइट लॉन्च की हैं। तो बात करें पाकिस्तान के स्पेस ऑर्गेनाइजेशन यानी सुपरको ने अभी तक 3 सैटेलाइट ही लॉन्च की हैं, वहीं इंडिया अभी तक 123 छोटी बड़ी सैटेलाइट्स लॉन्च कर चुका है, जहां इसरो अपने देश के साथ साथ कई और देशों की सैटेलाइट भी लॉन्च करता है। अब बात करते हैं जीडीपी की, तो पाकिस्तान की एनुअल जीडीपी 284 बिलियन यूएस डॉलर है और कराची सिटी 164 बिलियन डॉलर के साथ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सिटी है, जो पाकिस्तान की टोटल जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है। वहीं बात करें इंडिया की, तो भारत की जीडीपी 2.8 ट्रिलियन यूएस डॉलर है यानी 2800 बिलियन यूएस डॉलर, जिसमें मुंबई सिटी 440 बिलियन यूएस डॉलर के साथ देश की जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है। जीडीपी के बाद देखते हैं फॉरेन ट्रेड के मामले में भारत और पाकिस्तान के बीच कंपैरिजन, जहां पाकिस्तान का सालाना टोटल फॉरेन ट्रेड लगभग 70 बिलियन यूएस डॉलर का है, जिसमें 23 बिलियन यूएस डॉलर का लगभग पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है और पाकिस्तान सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल आइटम एक्सपोर्ट करता है। वहीं इम्पोर्ट की बात करें तो पाकिस्तान लगभग 47 बिलियन यूएस डॉलर का इम्पोर्ट करता है, जिसमें सबसे ज़्यादा रिफाइंड पेट्रोलियम होता है। अब बात करते हैं भारत के टोटल फॉरेन ट्रेड की, तो भारत सालाना लगभग 590 बिलियन यूएस डॉलर का फॉरेन ट्रेड करता है, जिसमें 300 बिलियन यूएस डॉलर के करीब टोटल एक्सपोर्ट है और भारत सबसे ज़्यादा रिफाइंड पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करता है। वहीं इंपोर्ट की बात करें तो 290 बिलियन यूएस डॉलर के करीब भारत का इंपोर्ट है, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपोर्ट परसेंटेज ऑयल का होता है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हर इंफ्रास्ट्रक्चर रिएक्शन ऑन पाकिस्तान वर्सेस इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर कंपैरिजन बहुत बेहतरीन वीडियो था। इससे बहुत सारी नॉलेज मिली है एंड जैसे कि हमने देखा कि जो कराची शहर है पाकिस्तान का, जो हमें पता चला कराची शहर सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है, पाकिस्तान की पूरी आधी हाफ जीडीपी तो कराची शहर ही प्रोड्यूस करता है। एंड बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन वीडियो थी एंड बहुत सारी न्यू चीज़ें हमें पता चली, बिकॉज हमें खुद की कंट्री के बारे में भी वो चीज़ें पता नहीं थी, जैसे मुंबई जो है 400 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा का जीडीपी कंट्रीब्यूशन है सिर्फ मुंबई शहर का, एंड दिस इज़ अ लाइक अ बिग थिंग ऑफ कोर्स एंड बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है 400 बिलियन डॉलर एक कंट्री के जितना, एक कंट्री से भी ज़्यादा, मतलब एक छोटी छोटी जो कंट्रीज हैं उनसे तो 3-4 कंट्रियों का मिला के एक मुंबई शहर करता है। दिस इज़ अ प्राउड मोमेंट कि इतना ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं एंड बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। एवरीवन विल ग्रो, अगर सब ग्रो करेंगे तभी बिजनेस बढ़ेगा, तभी अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, तभी जो जितने भी अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको नौकरी मिलेगी, उनका घर चलेगा, राइट? तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है एंड सारे देश बढ़ने चाहिए आगे एंड बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो था ये। एंड सो गाइज, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो जरूर बताइएगा। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट। सो वी आर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, मिलते हैं अगले वीडियो में। शब्बा खैर, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।